भूषण ज्वेलर्स। भाजपा पार्टी का दामन थामने के बाद मेजर विजय सिंह मनकोटिया धर्मशाला पहुंचे। यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कांग्रेस पार्टी को अपनी फायरिंग रेंज में रखा। मेजर ने तलक शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बेल पर चल रहे हैं, ऐसे में संभव ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इन विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना कर्म ना धर्म है, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो चुकी है कि वर्किंग अध्यक्ष भी पार्टी को कर रहे हैं। मेजर ने कहा कि कांग्रेस में टिकटों के लिए भी पैसों का बड़े स्तर पर लेन देन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी में खुद में ही सीएम बनने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इस देश में प्रदेश की राजनीति में ऐसे ऐसे लोगों का नेतृत्व है जो उभारा जा रहा है, जो खुद अपराधी घोषित किए गए हैं और उनके ऊपर आपराधिक मामले चले हुए हैं और एक मामले में तो सजा भी हो चुकी थी 1 साल की। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले इनकम और ईडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के शिमला के 18 स्थानों पर छापा मारा था। इसमें कोई पैसे का लेन देन का मामला था। उसके उपरांत जो सबूत बरामद हुए हैं उसके आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय में केस दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि वे केस आज भी दिल्ली के उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसमें यह आरोप लगाए गए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धोखाधड़ी की है। इसी के साथ ही वीरभद्र सिंह के बेटे व उनकी धर्मपत्नी पर भी मामला दर्ज किया गया था, जो आज भी दिल्ली के उच्च न्यायालय में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सरसर बेईमानी की है। अगर ऐसे लोगों को आगे लाकर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि हम सत्ता में पुनः आएंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि ऐसे घटिया काम करने वाले लोग देवभूमि के नाम पर कलंक हैं। बड़े दुख की बात है कि आजकल इस देश की और प्रदेश की राजनीति में ऐसे ऐसे लोगों का नेतृत्व जो है वो उभारा जा रहा है, जो खुद अपराधी घोषित किए गए हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चले हुए हैं और एक मामले में तो सजा भी हो चुकी थी 1 साल की। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ साल पहले छापा पड़ा था, देयर वाज अ रेड 18 स्थानों के ऊपर इनकम टैक्स और ईडी ने शिमला में उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के ठिकानों के ऊपर 18 ठिकानों के ऊपर छापे मारे, रेड की। कोई हेरा फेरी पैसे का लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा था और उसके बाद जो उनके पास सबूत बरामद हुए उसके आधार पर उन्होंने जाके फिर ये उनके अगेंस्ट एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज कर दिया। द केस वॉज फाइल्ड इन द दिल्ली हाई कोर्ट, जो आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा आशा कुमारी जो ढिलाव जी की MLA हैं और AICC की सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर और भी गंभीर आरोप लगे हैं। उनको उन्होंने हेरा फेरी करके न जाने कितने भीगा फॉरेस्ट लैंड जो था, वन भूमि थी, जो हेरा फेरी करके फ्रॉड तरीके से उन्होंने अपने नाम करवा ली और जो उसमें जो उनके मुजाहरे दिखाए गए थे, टेनिस दिखाए थे, कईयों को कहा कि ये मर चुके हैं जबकि वो जिंदा थे। वो BJP की सरकार थी शायद उस वक्त धूमल सरकार की, जो जिसको उन्होंने मृत बताया था, वो अलवर से उसको पकड़ के पुलिस ले आई और बताया कि ये तो जीवित है। तो यहाँ तक इन लोगों ने हेरा फेरी की, बेईमानी की है। मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि यहाँ तो हेरा फेरी चलती है, 2 नंबर का धंधा चलता है, दलाली यहाँ चलती है। आपको याद है कई बार जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस चीज़ को बार बार दोहराया, लेकिन अब इसकी पुष्टि किसने की? श्री हर्ष महाजन, जो बड़े करीबी थे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के, अब तक करीबी थे, अधिक अध्यक्ष भी थे कांग्रेस पार्टी के, काजल जी से, जैसे पवन काजल जी थे वो भी BJP में आ गए, हर्ष महाजन जी भी BJP में आ गए। तो हर्ष महाजन जी ने मेरे ख्याल शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें खुद उन्होंने कहा कि मैं तो करीबी से बैठ कर देखता रहा हूँ कि पैसे का लेन देन हो रहा है टिकटों के लिए, और वो लाखों में नहीं हो रहा था जो उन्होंने कहा, करोड़ों में हो रहा था। तो ये देखिए, जो जिन लोगों ने टिकट खरीदे हैं अब करोड़ों के, ये अगर कामयाब हो गए, भगवान ना करे ऐसे लोग कामयाब हो, पर आप देखिएगा कि कल्पना कीजिएगा अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो इन्होंने तो लूट लेना है हिमाचल प्रदेश में। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।